नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल द वंदे भारत। एक्ट्रेस और बिग बॉस विनर श्वेता तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती है। एक्ट्रेस अपने एक्स हस्बैंड अभिनव कोहली के बीच चल रहे मतभेद के चलते सुर्खियों में है। वैसे इन दिनों श्वेता अपनी बेटी पलक और बेटे रियांश कोहली के साथ रहती है, मगर अभिनव और श्वेता के बीच रियांश की परवरिश को लेकर हमेशा तनाव देखने को मिलता है। अभिनव चाहते हैं कि बेटे रियांश उनके साथ रहें, मगर श्वेता का ऐसा मानना है कि अभिनव रियांश की परवरिश नहीं कर सकते। श्वेता अपने बेटे रियांश की सेफ्टी को लेकर चिंतित रहती है, इस वजह से वे अभिनव से उसको हर तरह से दूर रखने का प्रयास करती है। अभिनव की यह शिकायत रहती है कि श्वेता उन्हें बेटे से मिलने नहीं दे रही। अब इस पर श्वेता ने ठोस सबूत के साथ अपना तर्क रखा है और जब उन्होंने अपनी सोसाइटी का एक फुटेज शेयर किया जिसमें अभिनव उनसे बच्चे को छीनते नजर आ रहे हैं, अब इस वीडियो के तर्ज पर श्वेता ने अभिनव पर उल्टा आरोप लगा दिया है। वीडियो शेयर कर श्वेता ने लिखा कि अब सच को सामने आने दीजिए, मगर ये मेरे अकाउंट में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, मैं इसे अभी डिलीट कर दूंगी। मैं अभी इसे इसलिए पोस्ट कर रही हूं ताकि सच सामने आ सके। यह वजह सामने है कि मेरा बेटा अभिनव से क्यों डरता है। वीडियो में जो इंसिडेंट नजर आ रहा है उस वजह से मेरा बेटा काफी डर गया था। वो एक महीने से ज्यादा समय तक डरा रहा, वो रात भर ठीक से सो नहीं पाता था, उसका हाथ दो से भी ज्यादा दिन तक दर्द करता रहा। वो अभी तक इस बात से डरा रहता है कि कहीं उसके पापा घर न आ जाए। बता दें कि ये वीडियो 2 साल पुराना है जो श्वेता ने प्रूफ के तौर पर शेयर किया है। बता दें कि श्वेता अपने बेटे का पूरा ख्याल रखती है और वह उसे अभिनव से दूर रखना चाहती है, मगर अभिनव बार बार श्वेता की जिंदगी में दखल देते हैं और बच्चे को लेना चाहते हैं, जबकि श्वेता इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।